सत्य है कि हम लोग हमेशा भला करते जाएं। सो वी हैव टू जीसस वाज गोइंग डूइंग ऑन गुड। प्रभु यीशु हमेशा सब जगह पे भला करते गए। सो वी हैव कॉल्ड टू फॉलो जीसस। तो हमें भी बुलाया गया है कि हम उनका पीछा करें। फर्स्ट पीटर चैप्टर पहला पत्रस चैप्टर 2 वर्स 21 चैप्टर 2 वाक्य 21 फॉर टू इट दिस यू वर कॉल्ड बिकॉज़ क्राइस्ट आल्सो सफर्ड फॉर अस Leaving us an example that you should follow his steps. और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। दूसरा टिमती चैप्टर 3 वाक्य 12 यस एंड ऑल को डिसाइड टू लिव गॉडली In Christ Jesus will suffer persecution. पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। Doing good. भला करना। Following Jesus. प्रभु का पीछा करना। We have desire to follow Jesus and doing good. हम सभी के अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि हम लोग प्रभु का पीछा करें और भला करें। It is not so easy. लेकिन ये इतना आसान नहीं। We have to suffer. हमें उसके लिए दुख उठाना पड़ता है। We have to lose so many inconvenience, money, time, everything. हमें बहुत बार असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, पैसों को खोना पड़ता है, समय खोना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं। So if we want to follow Jesus, we have to be ready for suffer. तो यदि हम लोग प्रभु यीशु का पीछा करना चाहते हैं तो हमें तैयार होना है दुख उठाने के लिए। मत्ती 16 वाक्य 24 इफ एनीवन डिसाइड टू कम आफ्टर मी लेट हिम डिनाय हिमसेल्फ एंड टेक अप हिज क्रॉस एंड फॉलो मी। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। जस्ट नाउ वी हैव हियर्ड दैट वी शुड नॉट डू What our mind says. तो अभी हमने सुना कि कैसे हमें वो चीजें नहीं करना है जो हमारा शरीर हमसे कहता है। We have to do the will of God. हमें वही करना है जो परमेश्वर का इच्छा है। What shall we do? हमें क्या करना है? This situation, what shall I do, my Lord? हमें एक परिस्थिति में क्या करना है परमेश्वर? We should not lean upon our own understanding. हमें खुद के जो समझ है उसके ऊपर निर्भर नहीं होना है। Our own wisdom. हमारे खुद के बुद्धि के ऊपर। Everything ask God. हर चीज में परमेश्वर से मांगो। Then we will do right things. तभी हम लोग सही चीज करेंगे। God never tell us to do wrong things. परमेश्वर कभी भी हमें गलत चीज करने नहीं बोलेगा। This is the secret, my dear brothers and sisters. यही है गुप्त का बात मेरे भाई और बहनों। If we do everything after asking him, it will go well with us. यदि हम लोग हर चीज परमेश्वर से पूछ के करेंगे तो हमारे साथ बहुत ही बेहतर होगा। सो डोंट लूज हार्ट। तो इसलिए मन मत खो। डूइंग गुड। हार मत मानो अच्छा करने में। नाउ इट मे बी वेरी डिफिकल्ट। हो सकता है कि अभी तुम्हें मुश्किल पड़ रहा हो। नाउ दैट फ्रूट यू मे नॉट सी। हो सकता है कि उसका फल परिणाम तुम अभी नहीं देख रहे हो। बट वन डे गॉड विल रिवार्ड अस। लेकिन एक दिन उसका इनाम परमेश्वर तुम्हें देगा। What is the greatest commandment Jesus told us? प्रभु यीशु ने क्या कहा कि सबसे बड़ा आदेश क्या है? Love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. अपने परमेश्वर से प्रेम करो, अपने पूरे हृदय से, पूरे दिमाग से, पूरे प्राण से. Second is love your neighbor as yourself. और दूसरा आदेश क्या है? अपने पड़ोसी से उसी रीति से प्रेम करो जैसे तुम खुद से करते हो. This if we do these two things, then everything is followed. तो यदि तुम ये दो आदेशों का पालन करोगे बाकी सारे चीज उसी में आ जाते हैं। रोमियो चैप्टर 13 वर्स 9 वाक्य 9 रीड ब्रदर। क्योंकि यह कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यस ऑल दिस कमांडमेंट्स समड अप इनटू वन कमांडमेंट्स यू शैल लव योर नेबर एज योरसेल्फ। तो ये सारे जितने भी आदेश है ये एक ही आदेश के अंदर आ जाते हैं कि तुम अपने पड़ोसी से खुद के समान प्रेम करो। जॉन चैप्टर 15 वर्स 12 यूहन्ना 15 वाक्य 12 दिस इज माय कमांडमेंट दैट यू लव
one another as I have loved you. मेरी आज्ञा ये है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो. That is the thing we have called for. यही चीज के लिए हम बुलाए गए हैं. We have to love one another. हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है. So why we can't forgive others? क्यों ऐसा है कि हम लोग कई बार एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते? That is the simple that we do not love that brother or sister. तो इससे हमें पता चलता है कि वो भाई या बहन से हम प्रेम नहीं रखते. Love covers multitude of sins. क्योंकि प्रेम जो है बहुत सारे पापों को अंधेरा कर देता है. So that is the one mark that we can't forgive others. तो इससे हमें पता चलता है कि हम लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं रखते, कि हम लोग उनको माफ नहीं करते. We do not love brothers. कि हम लोग उनसे प्रेम नहीं करते. That is the indirect symbol that we do not love God also. तो और इससे ये भी पता चलता है कि हम लोग परमेश्वर से भी प्रेम नहीं रखते. So we have to go on doing good. तो हमें भला करते जाना है. I know about sowing and seeding because I belongs to farmer's family. मैं ये बोना और काटना से बहुत ही अच्छा वाकिफ हूँ क्योंकि मैं किसान के परिवार से आता हूँ. While sowing seeds, how much hard work farmers are doing. जब ये बीज बोते हैं तो उस समय किसान बहुत मेहनत करते हैं. There is no upper cloth in their bodies. उनके शरीर के ऊपर ऊपर कपड़े भी लोग नहीं पहनते. Sunlight. और धूप में काम करते हैं. तो means all 12 hours sunlight in their body only. तो पूरा 12 घंटे का जो धूप है उनके शरीर पे गिरता है. Sweating. और वो लोग को पसीना आता है. Mud. कीचड़ में काम करते हैं. Stones. पत्थरों के ऊपर. So many difficulties. बहुत सारे मुश्किलें रहती हैं. But that is the thing Bible says Psalms 126 verse 5. और यही चीज के ऊपर बाइबल में भजन संगीता 126 5 में लिखा है. We can see that. वहाँ पे जाएंगे. भजन संगीता 126 वाक्य 5. भजन संगीता 126 वाक्य 5. 126. भजन संगीता 126 वाक्य 5. 126 वर्स 5. Those who sow in tears shall reap in joy. जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे. At the time of harvest, farmers are very happy. जब ही कटनी का समय आता है तो किसान बहुत ही खुश रहते हैं. Like that also, my brothers and sisters, if we sow with tears, we will reap joy. उसी तरीके से भाई और बहनों, यदि हम लोग आंसुओं के साथ बोएंगे तो आनंद के साथ काटेंगे. Once a boatman told to paint his boat. He bought his boat. Boat. When a boat owner told a painter to paint his boat. Paint. तो एक व्यक्ति था जिसके पास एक जहाज था, नाव था, तो उसने एक व्यक्ति से कहा कि उसके ऊपर तुम रंग डाल दो, पेंट कर दो. So painter painted boat that hole, a small hole down the bottom of the boat. तो वो व्यक्ति जब उस पर पेंट लगा रहा था तो उसने देखा कि वो नाव के नीचे एक छोटा सा छेद था. But the owner did not ask about this hole. और वो जो मालिक था वो नाव का, उसने वो छेद के बारे में कुछ बोला नहीं था. So only painting charges he talked. और उसने सिर्फ रंग लगाने का पैसा के बारे में बात किया था. So the painter saw the hole and completely ignored it. और जब ही जो not ignored means filled. अच्छा. सो जो रंग लगाने वाला जो व्यक्ति था उसने वो छेद को देखा और बिना कुछ उसको बोले हुए उसने उसको भर दिया. पेंटिंग इज ओवर, पेंटिंग चार्जेस ही हैज गॉट. और रंग लगाने का काम हो गया और सिर्फ रंग लगाने के पैसे ही उसको मिले. ही वेंट टू होम. वो घर पे चला गया. आफ्टर वन वीक दैट बोटमैन केम एंड रनिंग एंड to the painter and gave 5000 rupees. और थोड़े एक हफ्ते के बाद वो जो मालिक था वो भागकर ये पेंटर के घर पे आया और उसको और 5000 रुपए ज्यादा दिए. So he painter told why you give, already you have given for painting. तो वो फिर व्यक्ति ने पूछा कि तुम और पैसे क्यों दे रहे हो, तुमने तो पहले से मुझे रंग लगाने के पैसे दे दिए हैं. Then he told the story. फिर उसने उसको कहानी बताया. You see, there was a one hole in my boat but I forgot to tell you. और उसने उससे कहा कि मेरे नाव में एक छेद था और उसके बारे में बोलना मैं तुम्हें भूल गया था. आई डिड नॉट टेल माई चिल्ड्रन ऑल्सो. मैंने मेरे बच्चों को भी उसके बारे में नहीं बताया था. सो द आफ्टर पेंटिंग इज ट्राइड द माई चिल्ड्रन टेक द बोट एंड वेंट टू फिश. तो एक बार उसका रंग सूख गया था, मेरे बच्चों ने वो नाव को लेकर वो लोग मछली पकड़ने के लिए चले गए नदी में. व्हेन आई वेंट टू बोट प्लेस, बोट वाज नॉट देयर. तो जब मैं वो नाव देखने गया मैंने देखा कि अब नाव नहीं है.
That time I remember that I saw that hole was there, my children, what about my children? उस समय मुझे याद आया कि वो नाव में एक छेद था और मुझे फिर लगा कि मेरे बच्चे तो नाव को लेकर गए हैं, उनका क्या हुआ होगा? How much he felt difficult stress. तो उस समय उसने बहुत चिंता में वो पड़ गया. Immediately he went to the seashore. और तुरंत वो नदी के पास गया. Then children came with smile with fish. और उस समय उसने देखा कि उसके बच्चे तो मछली पकड़ के वापस आ रहे थे. That time only he breathed easy. उनको देखकर फिर उसने राहत की सांस ली. With joy. और फिर वो आनंदित हुआ. He saw that the hole was filled. और उसने देखा कि वो जो छेद था वो भर चुका था. What a good faithful painter he was. और फिर उसने सोचा कि ये कितना विश्वसनीय पेंटर था. Even if we don't tell him and also we did not give the charges also he filled the hole. इसके बावजूद कि मैंने उसको कुछ बोला नहीं, मैंने उसके लिए उसको अधिक पैसे नहीं दिए, फिर भी उसने वो छेद को भर दिया. Because of that my two children were saved. और उसके वजह से मेरे दो बच्चे बच गए. How precious it is. और कितना कीमती दायक है ये. He explained that story. और ये कहानी फिर उसने उसको बताया. So please have 5000 rupees as a gift. और इसलिए ये 5000 रुपए तुम रख लो एक तोहफे के तौर पर. Then he got happily. और फिर वो व्यक्ति ने उसको खुशी खुशी ले लिया. Like that my brothers and sisters. उसी तरीके से मेरे भाई और बहनों. If we doing good now we cannot see. उसी तरीके से यदि तुम अच्छा काम अभी करते हो उसका परिणाम तुम अभी नहीं देखते हो. One day we stand before Jesus. लेकिन एक दिन जब तुम प्रभु यीशु के सामने खड़े होगे. Well done. Good and faithful servant. प्रभु यीशु तुमसे कहेंगे अच्छा किया मेरे श्रद्धालु और विश्वसनीय सेवक. You enter the joy of your Lord. अभी तुम तुम्हारे प्रभु के आनंद में शामिल हो जाओ. We will sow good things. तो फिर हमें अच्छा बोना है. Love brothers and sisters. प्रेम बोना है भाई और बहन. Pray for others. दूसरों के लिए प्रार्थना करो. God blesses. परमेश्वर हमें आशीषित करे.